तो आपकी एक और स्टोरी थी आपके हस्बैंड के रिलेटेड जो आपके पिछले हस्बैंड थे आपको छोड़ दिया था जी तो उसके बाद फिर आपने दूसरी शादी की उसके बाद आपके जो दूसरे हस्बैंड थे आपने उनकी भी फिर दूसरी शादी करवाई तो वो क्या स्टोरी थी ए, मेरे हजबैंड छोड़ के चले गए थे बिना बताए उन्होंने मुझे कोई डाइवोर्स नहीं दी थी कोई तलाक नहीं दी वैसे वो बिना बताए छोड़ के चले गए असल में हुआ ये था कि उन्होंने मेरी अम्मी अबू का घर सेल कर दिया था छोटा घर था वही जो हमने बड़ी मुसीबतों से बनाया था वो उन्होंने घर सेल किया और उसके बाद जो है ना वो हमें बेयारों मददगार एक रोड के ऊपर छोड़ कर चले गए तो बाद में फिर मैं पढ़ी लिखी नहीं थी कोई नौकरी नहीं थी मेरे लिए तो जो उनके जाने के बाद मैंने पहली जॉब की थी वो एक स्वीपर की एक स्कूल के अंदर मैं जो है वो सफाई करती थी आया थी उसके मुझे इसमें बताने में कोई भी जरा भी जो है ना वो ए शर्म नहीं आ रही कि मैं अपनी स्वीपर की कहानी सुना रही मुझे प्राउड फील हो रहा है कि एट मैंने मेहनत की थी प्लीज तो मैं स्वीपर थी और उसके बाद फिर मैंने पढ़ना स्टार्ट किया 2008 से मैंने मैट्रिक किया 2009 में मैंने मैट्रिक किया और 2009 से 2018 तक थी. मेरी एमफिल की डिग्री कंप्लीट हुई थी. मैंने एमबीए भी किया और इस दौरान बीकॉम पार्ट कोमेटी तो फिर मेरा दोबारा نکاح ठीक है वो जिनसे हुआ वो मेरे से छोटे भी हैं एज में और अनमेरिड भी थे ठीक है तो मैं मैरिड थी एक बच्चे की माँ थी तो मुझे ना कहीं ना कहीं कही मेरे दिल में खनिश रह जाती थी कि इसके अरमान भी पूरे होने चाहिए तो उस वक्त इन्होंने हम पे एहसान किया मुझसे निकाह करके मेरे बच्चे को मुझे एक्सेप्ट किया फिर मैंने भी उनके साथ कदम से कदम मिला के चली यानी कि मैंने उनके साथ मिलकर बड़ी स्ट्रगल की मेडिकल स्टोर बनाया मैंने उनके साथ फिर उनको पैरालमरेज हो गया वो पॉम्बे में चले गए फिर अल्लाह तला ने दोबारा उनको ज़िंदगी दी फिर हमने दोबारा स्ट्रगल स्टार्ट की फिर उनका एक्सीडेंट हो गए टांग फ्रैक्चर हो गई तो फिर भी मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा यानी कि मैं उनके साथ कदम से कदम मिला के चलती रही आखिरकार मेरी जो डिग्री थी वो कम्प्लीट हो गई और मुझे जॉब मिल गई तो जॉब के बाद जो था ना वो दो माह हो गए थे तो मुझे जॉब करते हुए तो इनकी टांग टूट गई फिर मैंने जॉब से रिज़ाइन किया और उसके बाद मैंने अपना जो है इनके साथ मिल के दोबारा मेडिकल स्टोर पहुँचाया ये बेड पे आ गए आठ महीने फिर बेड पे रहे जब पैरालाइज हुआ जब भी डेढ़ साल बेड पे रहे तो मैंने दोबारा से फिर अपनी जर्नी को स्टार्ट किया लेकिन मैं मैंने हिम्मत नहीं आ रही और इसमें मेरा कोई कमाल भी नहीं, नहीं कि मैंने बड़ी स्ट्रगल की ये है रहमत अल्लाह की और अल्लाह का फजल है जब तक अल्लाह का फजल और रहमत ना हो आप जितनी मर्जी मेहनत कर लें जो मर्जी कर लें आप किसी भी काम में कमाल और अपनी महारत नहीं दिखाई तो अल्लाह की रहमत हुई अल्लाह का करम हुआ अल्लाह पर जो है वो शायद मेरी कोई पसंद आ गई तो अल्लाह ने मेरा बाजू पकड़ा उनकी शादी की जो बात है वो ये थी कि मैं बीमार हो गई की पेशेंट अभी भी आप मेरा इंटरव्यू करने आए तो इस कदर मुझे दर्द हो रही है कि मैं बयान नहीं कर सकती नहीं। तो मैंने उनसे ये कहा आप ना शादी कर लें क्योंकि मेरा एक बेटा पहले और फिर अल्लाह ने मुझे इनमें से एक बेटी दी तो मैंने कहा आप एक बच्चा और हो जाएगा चले अल्लाह खैर करेगा तो वो कहते नहीं मैंने नहीं करनी शादी ये मान नहीं रहे थे कि खैर काफी मैंने इनको मनाया फिर उसके बाद ये मान गए तो फिर मैंने नहीं, इनकी खुद शादी की और मैं इनकी बारात खुद लेके गई थी वलीमे में भी शमूलियत मैंने इख्तियार की और मेहंदी में भी और जब मैं बारात ले गई तो मेरे घर वाले बड़ा परेशान हुए थे मेरे अबू बोला जनन नसीब करे वो उस दिन बड़ा अफसुदा हुए थे भी इस भी क्या भी है इतना बड़ा दिन कर लिया अगर कुछ चली गई उसके बाद जब शादी हो गई तो फिर नेक्स्ट वनीमा था तो मेरे मेरे भाई एक दिया। एक दोनों को अच्छा। सलामी दी और मेरी अम्मी ने भी और दावत की और फिर जितनी देर वो जिंदा रहे अब उनकी शादी को तकरीबन तीन साल होने लगे हैं तो मेरे बु तकरीबन तकरीबन दो साल तक तो जिंदा रहे है तो दो साल तक मेरे बु ने जो है उसको

ना मैं कभी लड़ी हूँ ना वो कभी लड़ी है मैंने उसको हमेशा डांट लिया क्योंकि मैं उसको बहन बना के लेके आई थी तो छोटी बहन होने के नाते मैंने स्वतन के नाते से नहीं छोटी बहन होने के नाते मैंने उसको काफ़ी दबा डांटा है क्योंकि मैं बड़ी हूँ तो मेरा फ़र्ज बनता है उसको चीज़ गलत सही बताओ तो आज तक अभी तक तो खैर उनकी तरफ से मेरी तरफ से कोई लड़ाई नहीं हुई अलहमदल्ला ज़िंदगी सही चल रही है ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो अपने दिल को समझाने वाली बात होती है और अपने दिमाग में जो नेगेटिविटी होती है ना उसको थोड़ा सा इंसान जो है वो पॉजिटिव सोचे तो ऐसा कोई भी मसला नहीं अगर आपकी लाइफ में मियाँ बीवी की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स तो आप एसन तरीके से बैठ के उसको सॉल्व कर सकते हैं और आप जो है अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं अब मैं बीमार हूँ मेरी तबीयत नहीं ठीक रहती जो भी मैंने उनकी शादी की है तो इसमें कोई मजाक नहीं मैंने कोई गलत मैसेज नहीं दिया मैंने बकायदा उनका जो है वो निफा करवा दिया तो इसमें मेरे को बुरी बात में इस्लाम भी स्वाप की इजावत है